थाना शाहगंज पुलिस ने दो पहिया वाहन चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए दो अपराधियों की गिरफ्तारी की है, जिनके कब्जे से पुलिस ने चोरी की हुई 8 मोटरसाइकिल, 4 स्कूटी और मास्टर की भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई में जुटी हुई है। देखिए, एसीपी लोहा मंडी के नेतृत्व में शाहगंज थाना पुलिस की टीम ने एक बड़े वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया है और दो वाहन चोर इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 8 बाइक्स और 4 स्कूटी बरामद हुई है, जिनमें से फर्जी नंबर प्लेट भी हैं और ये जो आप यहाँ देख रहे हैं कुछ मास्टर कीज़ हैं, जिसका प्रयोग करके ये बाइक के लॉक्स को खोलते थे, खोल के उसको चोरी करके, और क्योंकि ये मैकेनिक का काम भी करते थे तो इनके पास से कुछ वाहनों के पार्ट्स भी बरामद हुए। इन 12 बाइक्स में से 7 के चोरी के मुकदमे ऑलरेडी पंजीकृत हैं, 5 थाना शाहगंज में, 1 थाना हरि पर्वत और 1 थाना लोहा मंडी में। इन अभियुक्तों को आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। ये अभियुक्त मूल रूप से फतेहपुर सिकरी थाना क्षेत्र के रहने वाले और पुराना आपराधिक इतिहास अभी तक कोई सामने नहीं आया है। पूछताछ में इन्होंने यही बताया कि क्योंकि ये मैकेनिक का काम करते थे तो बाइक से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ थे, तो बहुत आसानी से जो बाइक कहीं पार्क होती है उसको रेकी करके और उसका लॉक खोल लेते थे और उसके बाद उसको चोरी करके ले जाते थे, कई बार पूरी की पूरी बाइक या कई बार उसको काट काट के उसको अलग अलग पार्ट्स में बेचते थे। इनके विरुद्ध रजिस्ट्रीशीट खुलने की भी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ये क्योंकि ये पूरे संगठित रूप से काम कर रहे हैं तो गैंगस्टर की भी कार्रवाई बहुत शीघ्र ही इनके विरुद्ध की जाएगी। इस गुड वर्क के लिए पूरी पुलिस टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपये कैश रिवॉर्ड दिया जाता है। ये मैकेनिक थे सब, तो ये इनका इसके अलावा भी कुछ और उद्देश्य था बाइक चोरी करने का? बाइक चोरी का उद्देश्य वही आर्थिक लाभ प्राप्त करना था, क्या हुआ?